सबसे पहले मैं लिटिल फ्लावर डिग्री कॉलेज द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में मुझको वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए मैं लिटिल फ्लावर डिग्री कॉलेज के प्रबंधन और खासकर डॉक्टर शीला जी को मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। इसके पहले अभी डॉक्टर राम प्रसाद भट्ट जी का वक्तव्य सुना था, बहुत अच्छा लगा। और इस वेबिनार में विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न देशों से उपस्थित सारे प्रतिभागियों और विद्वजनों और हिंदी प्रेमियों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मेरा विषय है भारतीय संस्कृति और मूल्य, हिंदी और तेलुगु काव्यों के संदर्भ। मैंने इस विषय को दो तीन आधार बिंदुओं पर मैंने अपने जो प्रपत्र तैयार किया था, इसमें यह है कि संस्कृति, भारतीय संस्कृति और मूल्य, खासकर मानव मूल्यों से संबंधित विभिन्न हिंदी और तेलुगु काव्यों को मैंने संदर्भ में रखकर अपना आलेख तैयार किया हूँ। अभी मैं इससे संबंधित कुछ बिंदुओं पर आपसे मैं विचार करना चाहता हूँ। भारतीय संस्कृति और मूल्य, हिंदी और तेलुगु काव्यों के संदर्भ में। संस्कृति का कोषार्ध इस प्रकार है: पूरा करना, शुद्धि, सुधार, परिष्कार, निर्माण, पवित्रीकरण, सजावट, निश्चय, उद्योग, आचरणगत परंपरा, सभ्यता का वह स्वरूप जो आध्यात्मिक एवं मानसिक वैशिष्ट का द्योतक होता है। संस्कृति को सामाजिक प्रथा, कस्टम का पर्याय भी कहा जाता है। संस्कृति शब्द का अर्थ शुद्ध, सफाई, संस्कार, सुधार, मानसिक विकास, सजावट, सभ्यता आदि है। ऐतरेय ब्राह्मणों में संस्कृति का संबंध मानव के व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नयन से माना है। संस्कृति वह शक्ति है जो इस उन्नयन की साधन की सिद्ध करती है। संस्कृति अंग्रेजी शब्द कल्चर का पर्याय माना जाता है। संस्कृति के बारे में डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों का संग्रह है। मैथ्यू अर्नाल्ड के अनुसार संस्कृति को पूर्णत्व की खोज, अर्थात पूर्णत्व मानव को मानवता और समाज को सर्वांगीण उन्नति की ओर प्रेरित करना है। भारतीय संस्कृति के बारे में हिंदी साहित्य कोश भाग दो में इस प्रकार लिखा है कि भारतीय संस्कृति की परिभाषा देना अथवा थोड़े शब्दों में उसका वर्णन करना नितांत कठिन। यह है कि भारत के लंबे इतिहास में उसकी संस्कृति पर अनेक प्रभाव पड़ते रहे, जिससे फलस्वरूप उसका रूप न्यूनाधिक परिवर्तन होता रहा है। भारतवर्ष के अनेक जातियों, धर्म तथा नरविज्ञान के अर्थ में संस्कृतियों का वैदिक रूप, क्लासिकल रूप, कालिदास के समय के तथा बाद के पौराणिक रूप में अंतर। संस्कृति के चार अध्याय में संस्कृति के बारे में रामधारी सिंह दिनकर ने इस प्रकार लिखा है कि संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है और तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जी रहे हैं। उसकी संस्कृति हमारी है। यद्यपि अपने जीवन में हम जो संस्कार जमा करते हैं वह भी हमारी संस्कृति की विरासत भी अपनी संतानों के लिए छोड़ जाते हैं। इसलिए संस्कृति वह चीज मानी जाती है जो हमारे सारे जीवन की व्योम हुए हैं तथा जिसकी रचना और विकास में अनेक सदियों के अनुभव का हाथ है। यही नहीं बल्कि संस्कृति हमारा पीछा जन्म जन्मांतर तक कर। वर्तमान समाज में मूल्य के बारे में चर्चा आने से स्वतंत्रता पूर्व भारत में मूल्यों की स्थिति और आज की स्थिति से तुलना करके मूल्यों का हनन हो रहा है कहकर चिंता प्रकट करते रहते हैं। हम हमेशा वर्तमान समाज के विभिन्न क्षेत्रों के मूल्यों की गिरावट पर आंसू बहाते हैं, परंतु ये कभी भी नहीं सोचते हैं कि वास्तव में मूल्य क्या होते हैं और वे समय समय पर क्यों परिवर्तित होते रहते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि समाज की गतिशील परिस्थितियों तथा बदलते हुए युगीन सत्य के अनुरूप मूल्यों का
बिगड़ना, बनना और परिवर्तित होना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। युगीन स्थितियां, मानस मन स्थितियां और आंतरिक आवश्यकताओं के अनुरूप मूल्यों के क्षेत्र में भी परंपरा के स्थान पर नवीनता का आग्रह सर्वत्र दिखाई पड़ता है। पारंपरिक एवं जर्जर मूल्यों के स्थान पर विकास निर्भर रहता है। इस संदर्भ में यह जानना आवश्यक है कि मूल्य का स्वरूप क्या है, मूल्य अपने आप में क्या है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यह ना भूलना होगा कि जब मूल्यों की बात करते हैं तो सहज ही नीति शास्त्र का शब्द जब मानवीय संवेदनों के गहन स्तरों के साथ जुड़ता है तो मानवीय संवेदनाओं की तरह उसकी सीमाएं भी फैल जाती हैं। मानव को उसके पूर्ण अस्तित्व में स्वीकार करके ही मूल्य की कल्पना संभव हो पाती है, क्योंकि मूल्य की स्थिति किसी वस्तु में ना होकर मानव में है। मानव ही मूल्यों का निर्धारण या संचालन करता है और उसी की आवश्यकताओं के अनुरूप मूल्य बनते या बिगड़ते हैं। कोई भी वस्तु अपने आप में मूल्यवान नहीं होगी, बल्कि वस्तु से मिलने वाला सुख या आनंद अपने आप में एक मूल्य होता है। मूल्य कोई मूर्त वस्तु नहीं जिसे हम देख सके, बल्कि मूल्य अपने आप में एक धारणा है, एक अनुभव है। कोई भी वस्तु मूल्यवान हो सकती है लेकिन वह अपने में मूल्य नहीं हो सकती। मूल्य अमूर्त है जिसे व्यक्ति भोगता है, जलता है और जिसे वह अनुभव के स्तर पर जीता है। यह अनुभव इंद्रिय गम्य ना होकर आत्मा या कल्पना का अनुभव होता है जो किसी भी वस्तु को मूल्यवान बना देता है। मूल्य का अस्तित्व व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होता है। हेनरी ऑस्बर्न टेलर ने मूल्य की परिभाषा करते हुए कहा है कि मूल्य आत्म प्रदर्शन है, वैल्यू इज वैनिटी। इससे यह स्पष्ट होता है कि जीवन के समग्र स्वरूप के विश्लेषण के लिए समकालीन जीवन के विविध क्षेत्रों में पाए जाने वाले मूल्यों का मानवीय एवं सामाजिक धरातल पर निरूपण करना अनिवार्य है। आगे साहित्य के हित साधन ही साहित्य का प्रमुख प्रयोजन है। हित की भावना का जन्म स्वास्थ्य पर की वो कृपया अपना स्क्रीन शेयर कीजिए। वही साहित्य समाज की मनोवृत्तियों का प्रतिबिंब बन सकता है। समाज के विकास में साहित्यकारों का दायित्व महत्वपूर्ण है। साहित्य सर कृपया अपना स्क्रीन शेयर कीजिए। अनुभवों तथा अनुभूतियों का संचित प्रतिबिंब माना जा सकता है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में राष्ट्रीयता की भावना की पुष्टि समाज सेवा व सांस्कृतिक प्रेम की ओर उन्मुख करना ही साहित्य का प्रयोजन रहा है। देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार सामूहिक भावना के साथ साथ संस्कृति, समाज, इतिहास एवं राजनीति सभी राष्ट्रीयता के अंग बन गए हैं। राष्ट्रीयता में इन सभी का समान रूप से विद्यमान होना आवश्यक है। राष्ट्र व्यक्तियों का वह समूह है जो राजनैतिक, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से एक हो, उनका उद्गम एक हो, उसमें एकता रहने की उत्कंठ भावना हो। मैं आगे अब प्रायोगिक पक्ष पे जा रहा हूँ। जहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों की बात करते हैं, मैं सबसे पहले शमशेर की एक रात से शुरू करना चाहता हूँ। शमशेर की एक रात काव्य के केंद्रीय पात्र राम है। राम का मानसिक संकट मूलतः उत्तरदायित्व का संकट है। इस काव्य के राम तो मात्र अपनी विडंबना पूर्ण स्थिति पर सोचते विचारते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस तथ्य से पाठक अवगत होने लगता है कि राम की अपनी विडंबना युग जीवन की विडंबना का स्वरूप ग्रहण कर। इसमें कवि ने पुराण कथा के मूल स्वरूप को क्षति पहुंचाए बिना उसे युग संदर्भ प्रदान कर दिया है। इस काव्य के राम मानव की सहज मानवता में विश्वास रखते हैं और उसकी आस्था है कि मानव को मानव से सहज मानवीय आधार पर ही सत्य की उपलब्धि हो, युद्ध आदि हिंसात्मक साधनों से नहीं। शमशेर की एक रात काव्य के राम के मन में प्रश्न उठता है कि क्या सारे शुभाशुभ कर्मों की परिणति युद्ध ही है। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोक चिंतक राम लोक की अवहेलना नहीं कर सकते। कवि युद्ध को अस्वीकार करते हुए राम से कहलाता है कि राम
मैं सत्य चाहता, युद्ध से नहीं, खड्ग से भी नहीं, मानव का मानव से सत्य चाहता हूँ। क्या यह संभव है? राम की संशयग्रस्त मनस्थिति उनकी दुर्बलता का परछाई नहीं है, वरना वो मानवीय मूल्यों के स्थापना और संरक्षण, शांतिमय और अहिंसक उपायों की खोज और उनके समर्थन की बौखलाहट है। उनके संशय के मूल में व्यक्तिगत हानि सहकर भी नरसंहारकारी युद्ध से बचने की लोक संग्रहीय संवेदना सन्निहित है। यह संशय किसी असमर्थ और अविवेकी का नहीं, व्यापक अनहित और जन रक्षा के उदात्त लक्ष्य के प्रति समर्पित एक समर्थ और विवेक व्यक्ति का है। इसलिए राम संशय के सत्य ही नहीं, परम सत्य ऋतु का भी निकष मानते हैं। ओ पिता, संशय निकष है ऋतु का। संशय की एक रात में राम बौद्धिक और विवेकी हैं, इसलिए वे पिता की आत्मा के तत्वों को तुरंत स्वीकार नहीं कर लेते, वरना उनका प्रतिपाद करते हैं। उनका दृष्टिकोण लोकतांत्रिक, सांस्कृतिक और संसदीय मूल्यों के अनुरूप है। साम्राज्यवादी, शोषक, पीड़क, दुष्प्रवृत्तियों के दमन की आवश्यकता का अनुभव ही युद्ध की आवश्यकता का अनुभव कराता है। इस प्रकार युद्ध के स्वीकार में भी मानवता और मानवीय मूल्यों के संरक्षण की भावना विद्यमान है। संशय से संकल्प और युद्ध की अस्वीकृति से स्वीकृति तक की मानसिक यात्रा में राम का मानवतावादी लोक संग्रही दृष्टिकोण सर्वत्र दिखलाई पड़ता है। यहाँ राम ना तो ईश्वर है, ना संदर्भ निरपेक्ष कल्पित आदर्शों या सिद्धांतों के पुंज। उनकी विवेकमयी प्रबुद्धता, संवेदनशीलता, प्रश्नाकुल संशय वृत्ति, मानवतावादी जीवन दृष्टि और लोकतांत्रिक संसदीय कार्य पद्धति उन्हें आधुनिक युग बोध से जोड़ देती हैं। पिता के आदेश मात्र से 14 वर्ष के लिए कठोर वनवास वरण करने वाले राम यहाँ पिता के तर्कों को अपनी तर्क बुद्धि से परास्त करते हुए दिखाई दे। सेतुबंध और युद्ध का प्राचीन संदर्भ आधुनिक युग के नए जीवन संदर्भों से जुड़कर नई अर्थवत्ता ग्रहण करता है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में राम का व्यक्तित्व नए संशयों, विचारों और संस्कारों से युक्त नई मूल्यवत्ता ग्रहण करता है। नरेश मेहता की कृति संशय की एक रात में राम के चरित्र की आधुनिक संभावनाएं व्यक्त। राम यहाँ आधुनिक प्रज्ञा का प्रतीक है, उसका संघर्ष आधुनिक चिंतनशील व्यक्ति का संघर्ष है। सीता हरण के पश्चात उसकी मुक्ति के लिए रामेश्वरम के तट पर युद्ध की तैयारियां हो चुकी हैं। युद्ध को लेकर उनके सामने बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। इसमें 3 समस्याएं हैं। पहला है युद्ध का प्रयोजन, दूसरा मानव मूल्यों की सत्ता, और तीसरा मानव अस्तित्व की सार्थकता आदि। वे इस प्रकार वर्णित हैं। रावण की अन्यायी सत्ता के अंत के लिए यदि युद्ध का आह्वान किया जाए तो इस युद्ध से शांति प्रस्थापित होगी, इसका विश्वास नहीं होता। यह युद्ध ही अनागत युद्धों का कारण बन जाएगा। रावण ने राम की सीता का हरण किया है। सीता हरण राम की व्यक्तिगत समस्या है, अतः राम सीता के लिए युद्ध करके ऐतिहासिक कारणों को क्यों जन्म दे? यथा व्यक्तिगत मेरी समस्याएं क्यों ऐतिहासिक कारणों को जन्म दे? राम के मन में युद्ध को लेकर भय नहीं है, वह युद्ध के परिणामों से डरता है मानवीय मूल्यों के प्रति अपनी आस्था से। वह विवेक संपन्न है, इसीलिए जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाले यज्ञ, आश्रम, देवोपासना, मानव एकता जैसे जीवन मूल्यों के प्रति आस्थावान है। यदि ये मूल्य जीवन को सार्थकता देते हैं तो इनकी क्या अपनी कोई सत्ता नहीं है? यदि है तो इनको प्रमाणित करने के लिए युद्धों की आवश्यकता क्यों होती है? युद्ध में सबसे पहले मानवीय मूल्यों की बलि होती है। मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए युद्ध, और युद्ध में मानवीय मूल्यों का विनाश, तब तो मूल्यों की जीवन में सत्ता कैसे माने? और यदि मूल्यों की कोई सत्ता ना हो तो उनके प्रति व्यक्ति आस्थावान क्यों हो? एक ओर मूल्यों के प्रति आस्था रखना और दूसरी ओर मूल्य विनाशक युद्ध करना आत्मवंचनाई। राम लक्ष्मण से कहता है, ये यज्ञ, आश्रम,
देवोपासना मानव एकता यदि बिना युद्धों के नहीं है सत्य लक्ष्मण, तब एक गहरा प्रश्न संकट प्रत्येक प्रज्ञप्ति के लिए। इस प्रकार मूल्यों की आस्था के साथ युद्ध को भी मानना, मूल्यों के संकल्प के साथ युद्ध का संकल्प करना किसी व्यक्ति में अप्रमाणित व्यक्ति को उत्पन्न करता है। इसी संशय से राम ग्रस्ता है कि दो सत्य, दो संकल्प, दो दो आस्थाएं व्यक्ति में ही अप्रमाणित व्यक्ति पैदा हो गया है। संशय की एक रात के राम संपन्न प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति है, वो अनप्रश्नित आप्त सत्यों में विश्वास नहीं करता, अपरीक्षित अवस्थाओं को स्वीकार नहीं करता। प्रज्ञा ने उसे संशय की कसौटी दी है और उसी कसौटी पर हर मानवीय उपलब्धि को कसकर वह सत्य को प्राप्त करना चाहता है। वह अपने पिता की आत्मा से चाहता है कि ये अनप्रश्नित आप्त सत्य, ये अपरीक्षित आस्थाएं किसी तेजस मस्तिष्क पर त्रिपुण्ड नहीं हो सकती। ओ पिता, संशय निकष है ऋतु का, यह संशय के कारण, इस संशय के कारण ही वे अपने उठाए गए मूलभूत प्रश्नों का उत्तर पाने में असमर्थ है, इसलिए उद्विग्न है, उनके प्रश्नों का समाधान उसे नहीं मिलता। फिर भी वह अपने परिषद का युद्ध का निर्णय स्वीकार करता है। परिषद के निर्णय से वह सहमत नहीं है, फिर भी उसे इसको स्वीकारता है, क्योंकि वह लोकतंत्र के आधुनिक मूल्य को मानता है। आधुनिक चिंतनशील व्यक्ति के इस अंतर्द्वंद को संशय के एक रात में मुखरित करता है। राम आधुनिक व्यक्ति की तरह पराजय पश्चाताप के प्रतीक बन गए हैं। वे अनिर्णय के क्षणों में स्वयं कहते हैं कि लक्ष्मण, मेरी पात्रता को यो ना पूजो, मेरा व्यक्ति मात्र पश्चाताप है, केवल पराजय है। राम के मन में विवशता, पराजय और संकट का क्षण इतना गहरा गया है कि कवि ने उसे पूरी तरह आधुनिक बोध की शैली में प्रस्तुत किया है। यथा एक अनुत्तरित संशय की सर्प वृक्ष हर हरा रहा मुझ में पीपल सा अहोरा। राम के मन में विवशता आधुनिक संकट का प्रतीक बनकर सामने आई है। वो प्रतीक उस भूमिका पर तैयार हुआ है जहां हर आदमी खड़ा है किसी ना किसी प्रश्न और अनुत्तरित संशय को लिए। इसी प्रकार हिंदी में अधिक कवियों भारतीय संस्कृति से संबंधित हैं। मैं यहां थोड़ा पीछे जाके फिर मैत्री शरण गुप्त से लेना चाहता हूं। मैत्री शरण गुप्त ने भी अवनति को कालचक्र के क्रम के रूप में स्वीकार किया, अतएव उन्होंने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए जनता को प्रेरित किया, कर्तव्य अकर्तव्यों का निरूपण कर देशवासियों को उन्नति की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान की। मैत्री शरण गुप्त कृत भारत भारती उद्बोधन और नवजागरण की अग्रदूत कविता है। इसमें ऐतिहासिक तथ्यों पर भारतीय जनता को नव जागरण का संदेश दिया। गुप्त जी ने पूर्व गौरव दीप की रक्षा का उद्बोधन देते हुए लिखा है कि किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो तब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए, पद चिन्हों उनके यत्न पूर्वक खोज लेना चाहिए, निज पूर्व गौरव दीप को बुझने ना देना चाहिए। इसी प्रकार तेलुगु के कवियों ने जनता को प्राचीन उन्नति और अर्वाचीन अवनति से अवगत कराकर उज्जवल भविष्य के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उद्बोधनों से मंडित कविताओं के सहारे राष्ट्र की अवनति को दूर करने का प्रयत्न किया है। उद्बोधनों से मंडित देशभक्ति पूर्ण गीतों की रचना करने वालों में गुरुदार अप्पाराव जी सिद्धहस्त हैं। वे आंध्र देश में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से पहले ही राष्ट्रीयता एवं सामाजिक सुधार भावन से परिचित थे। देश के प्रति इतना गंभीर दृष्टिकोण रखने के कारण ही उन्होंने मुत्याल सरालू नामक काव्य में देशभक्ति गीत के माध्यम से देश के प्रति भक्ति भावना प्रकट की। अत्यंत साधारण भाषा में लिखकर असाधारण संदेश दिया है। इस गीत के प्रथम चरण में वे लिखते हैं, पहले तेलुगु और बाद में हिंदी बता देता हूँ। దేశమును ప్రేమించుమన్నా మంచి అన్నది పెంచుమన్నా వట్టి మాటలు కట్టి పెట్టబోయ్ గట్టి మేలు కల్పెట్టబోయ్ ఇసే దేశ్ కే ప్రతి ప్రేమ భావన రఖనీ చాహియే భలాయి కా మార్గ్ అప్నానా చాహియే వ్యర్థ బాతోన్ సే అప్నే ఆప్కో దూర్ రఖకర్ దేశ్ కీ భలాయి కే లియే కదమ్ ఉఠానా చాహియే
सभी भारतीय कवियों ने जातीय एकता की आवश्यकता पर बल दिया है। भारतवर्ष में अनेक धर्म और जाति के लोग निवास करते हैं, उनके ऐक्य के बिना राष्ट्रोन्नति या संपूर्ण भारतीय संस्कृति की असंभव है। अतएव कवि जातीय एकता पर बल देते हुए लिखते हैं, जैन बौद्ध पारसी यहूदी मुसलमान सिख ईसाई कोटिकंठ से मिलकर कह दो हम सब हैं भाई भाई। उसमें कवि ने भ्रातृत्व का सुंदर संदेश दिया है। मैथिली शरण गुप्त ने गुरुकुल में जातीय वैमनस्य को राष्ट्रीय प्रगति में बाधक माना। उन्होंने हिंदू संगठन तक ही अपने आप को सीमित न रखकर हिंदू मुसलमान दोनों जातियों के एकीकरण का आग्रह करते हुए लिखा है, हिंदू मुसलमान दोनों अब तोड़े वह विग्रह की नीति प्रकट की गई है, यह केवल अपने वीरों के प्रति प्रीति। तेलुगु के कवियों ने भी भारतीय संस्कृति तथा मूल्यों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत देश में अनेक धर्म पंथ और जाति के लोग निवास करते हैं, उनके ऐक्य के बिना राष्ट्रोन्नति असंभव है। अतएव कवि भानुमूर्ति ने राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता का उल्लेख इस प्रकार किया है कि ईसाई मुसलमान हिंदू और पारसी एक परिवार के सदस्यों की भांति मिलजुल कर देश के प्रति प्रेम भावना प्रकट करें, प्रीति भाव से देश की उन्नति के लिए कोशिश करें। काना देशाभिमानंबु कलिगे क्रैस्तवुलु मुसलमानुलु हिंदुवुलु पारसीलु नोक्क कुटुंबमै चेरी देशमात नुद्धरिंतुर गात प्रीति। इस प्रकार उन्होंने सभी आह्वान किया है। मैथिली शरण गुप्त ने जिन्हें अपनी प्रभावोत्पादक हुंकार से कोटि कोटि हृदयों का स्पर्श किया है, धरती हित कर नींद बगा दे, वज्रनाद से जोम जगा दे, दय और कुछ लगा दे, निश्चय करूं कि भारत हूं मैं, देश की स्वतंत्रता का विशेष भार तो युवकों को ही वहन करना पड़ता है। राम नरेश त्रिपाठी युवकों को उनके कर्तव्यों की स्मृति भोजपूर्ण शब्दों में कराते हैं, कुछ सिंह सम निकल प्रकट कर अतुलित भुजबल विषम पराक्रम, युद्ध भूमि में वे भैरी का दर्प दलन कर लेते हैं दम, या स्वतंत्र की वेदी पर कर देते हैं प्राण निछावर, तब नवयुवक स्वतंत्र देश के क्या बैठे रहते हैं दर पर। आत्मसमर्पण की भावना सोहनलाल द्विवेदी की कविताओं में ओजस्वी रूप में अभिव्यक्त हुई है। सच्चा देशभक्त अपना तन मन धन मातृभूमि को स्वाधीन कराने के लिए निछावर करना वे अपना परम सौभाग्य मानते हैं। द्विवेदी जी आत्म बलिदान की ओजस्वी भावना की अभिव्यक्ति निम्नलिखित पंक्तियों के माध्यम से करते हैं, हम मातृभूमि के सैनिक हैं, आजादी के मतवाले हैं, बलवेदी पर हंस हंस करके निज शीश चढ़ाने वाले हैं, जननी के वीर पुजारी हैं, सर्वस्व लुटाने वाले हैं, हम मातृभूमि के सैनिक हैं, आजादी के मतवाले हैं, अब देश प्रेम की इंगत में रंग गया हमारा यह जीवन, उसके लिए ही समर्पित है सब कुछ अपना यह तन मन धन। तेलुगु कवियों ने उद्बोधन के द्वारा जनमानस के देश के लिए मर मिटने की भावना को उद्बुद्ध किया है। मल्लादी चंद्रशेखर राव ने जयबेरी मोगिंदी शीर्षक गीत में प्राण और मान को बलिवेदी पर चढ़ाने का आग्रह किया है। उसका उदाहरण पहले तेलुगु और बाद में हिंदी में बताया, जयबेरी मोगिंदी जनुलार लेवंडी, जयम पोंदेदाक शांतम लेदंडी, చంకు గొంకు లేక చంగున రండి, దేశ సేవను చేయ ధీరులై నిలవండి, మానవ సేవయే మధ్యలోనే కలచండి, ప్రాణాలు మానాలు బలి ఇచ్చిరారండి. ఇంకా హిందీ, జై బేదీ కా నాద హువా, హే సమస్త జన ఉఠియే, విజయ ప్రాప్త్ కర్నే తక్ శాంతి నహీ హై, శంకా ఔర్ భయ కే బినా ఉత్సాహిత్ హోకర్ ఆయియే, దేశ సేవా కర్నే కే లియే ధీరజ్ బాంధ్ కర్ టహరియే, మానవ కీ సేవా కే బారే మే మన్ మే విచార్ కీజియే, ప్రాణ ఔర్ మాన్ కో బలి దేకర్ ఆయియే। कवियों ने अपनी लेखनी द्वारा तत्कालीन जनता में अदम्य उत्साह, अपूर्व स्फूर्ति का निर्माण करने के लिए तथा कर्तव्य की ओर प्रेरित करने के लिए जागरण और अभियान गीतों की रचना की। भारतीय संस्कृति से संबंधित और एक दो उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। सुमित्रानंद पंत स्वर्ण किरण में उषा नारी का भारतीय संस्कृति के प्रवेश में मनोहर चित्रण प्रस्तुत किया है। वह पवित्रता से अभिषिक्त सद्य स्फुट शोभा में आवृत आई अरुणोदय मंदिर में तत् प्रकाश का करने विस्तृत। इसी प्रकार देवोत्पल कृष्ण शास्त्री भी प्रेसी से कहते हैं कि तुम प्रथम उषा के ओस कणों की लतिका हो, तुम वर्षा और शरद के बीच
उगने वाली संध्या कुमारी हो तेलुगु में नीव तुलिपत्तु ननमंचु तीवसनवु नीव वरिष्ठ शरत्तुल निबिड संगममन पोडुमिन संध्या कुमारी। इस प्रकार भारतीय संस्कृति का अनेक उदाहरण मिलते हैं। इस प्रकार दोनों कवियों ने भारतीय संस्कृति के परिवेश का सफल चित्रण किया। मैं आगे मानव मूल्यों मूल्य मानव मूल्यों की यहाँ श्रृंखला में महत्वपूर्ण कवि है मानव विवेक अंतरात्मा के सहायक तत्वों में संभवतः सबसे प्रमुख सबसे विश्वसनीय है। मनुष्य को स्वतंत्र सचेत दायित्व युक्त माना जाए जो अपने नीति अपने इतिहास का निर्माता हो सकता है, इसलिए उसके विवेक और मनोबल को सर्वोपरि और अपराजेय माना जाए। युद्ध का निर्णय या अच्छा अच्छे बुरे का निर्णय तर्क से नहीं मानव विवेक से ही संभव है। विवेक ही नीर क्षीर करने का सामर्थ्य प्रदान करता है तथा विवेक ही व्यक्ति के मनोभावों की उदात्त रूप प्रदान करता है। नई कविता के प्रमुख कवि डॉक्टर धर्मवीर भारती ने भी मानव विवेक को सर्वोपरि और अपराजेय माना है। वे युद्धोत्तर कालीन जीवन की विसंगतियों का चित्रण करते हुए मानव विशिष्टता की रक्षा एवं मानव भविष्य की सुरक्षा के लिए मानव विवेक और मनोबल को महत्वपूर्ण माना है। डॉक्टर धर्मवीर भारती मर्यादा धर्म और नीति आदि को विवेक से जुड़कर ही सार्थक और सफल मानते हैं और इस प्रकार युग बोध की पृष्ठभूमि में मानव विवेक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हुए अंधा युग में कवि ने विवेक को नैतिक आचरण का मूल आधार स्वीकार करते हुए कहा है, हम सबके मन में कहीं एक अंध गहबर है, बर्बर पशु अंध पशु वास वही करता है। स्वामी जो हमारे विवेक का नैतिकता मर्यादा अनासक्ति कृष्ण अर्पण यह सब है अंधी प्रवृत्तियों की पोशाकें जिनमें कटे कपड़ों की आंखें तिली रहती है। अंधा युग में युद्धोत्तरकालीन जीवन और बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप मानवीय मूल्य चेतना के विकास की गाथा वर्णित हुई है। 20वीं शताब्दी के शती के पूर्वार्ध में लड़े गए दो विश्व युद्धों की विभीषिका ने बहुत दूर तक विश्व के जीवन दर्शन मानव मूल्य खासकर मानव आस्था मानव निष्ठा मानव स्वातंत्र्य और मानव विशिष्टता की स्थापना तथा अन्य अनेक सांस्कृतिक मान्यताओं को प्रभावित किया है। इन दोनों महायुद्धों के विश्वव्यापी प्रभाव से संसार का कोई भी राष्ट्र तथा उसका जीवन दर्शन अछूता नहीं रहा है। हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर भी इन दोनों महायुद्धों का बहुत प्रभाव पड़ा है। युद्धोत्तर काल में हमारे विश्वास परंपराओं मानव मूल्यों मान्यताओं आदि में भी बड़ी तीव्र गति से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। युद्ध के पश्चात सांस्कृतिक विघटन की समस्या भारत में ही नहीं प्रत्येक राष्ट्र के सम्मुख रही है। इसका सर्व प्रमुख कारण यह है कि प्रत्येक भयंकर युद्ध के पश्चात मानव चारित्रिक दृष्टि से बड़ा हीन और गरीब हो जाता है। एक प्रकार से यह युग एक साथ ही सांस्कृतिक विघटन या वह पुनर्निर्माण का युग है। अंधा युग में किसी अंधे युग का चित्रण हुआ है। कवि ने यहाँ अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा कहने का प्रयास किया है। अंधा युग की अंधी युग दृष्टि इस काल का केंद्रीय प्रतीक है जो विभिन्न रूपों में कई पात्रों द्वारा अभिव्यक्त हुआ है। यह युग एक अंध समुद्र है, चारों ओर पहाड़ों से गिरा हुआ और दरों से और गुफाओं से उमड़ते हुए भयानक तूफान चारों ओर से उसे मत रहे हैं। युद्ध बीत जाने पर समस्त मर्यादाएं मूल्य और सिद्धांत एक संक्रमणकालीन स्थिति में पड़ जाते हैं। युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियां मनोवृत्तियां आत्माएं सब विकृत हैं। जो युद्धोपरांत मर्यादा का बहुत पतला क्षीण सूत्र ही विद्यमान रहता है और जो कौरव पांडव दोनों ही पक्षों में उलझे रूप में विद्यमान है, केवल कृष्ण में उसे सुलझाने का साहस है जो युद्ध में मर्यादा को तोड़ने सद असद दोनों ही पक्ष हैं। यदि एक कुछ कम तो दूसरा कुछ अधिक, विजयी और विजित दोनों ही इस महानाश के लिए उत्तरदायी है। दोनों ही पक्ष विवेक शून्य होते हैं और इस विवेक शून्यता के कारण ही युद्ध प्रारंभ भी होता है। अंधों से शोभित हुआ
अंदर से शोभितता युगता सिंहासन दोनों ही पक्षों में विवेकता हारा दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन भय का अंधापन ममता का अंधापन अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ भी सुंदर और कल्याणकारी था वह सब युद्ध में चुक गया है। युद्ध संस्कृति को पंगु और जर्जर कर देता है। युद्धोपरांत के जीवन में व्याप्त मानव असहायता की धृतराष्ट्र की आत्मग्लानी के माध्यम से बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। पराजय से विक्षुब्ध धृतराष्ट्र के सम्मुख आकर जब एक जीव कटा सैनिक ना जाने क्या क्या बकता है, तब धृतराष्ट्र का यह कथन गुंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। युद्ध प्रांत की जीवन स्थिति का सही बोध कराता है। युद्ध पूर्व की मानव विवेक शून्य संस्कृति समस्त समाज को विषाक्त बना देती है। यदि यह युद्ध पूर्व संस्कृति इतनी विषाक्त और समय बाह्य आउट ऑफ कट ऑफ डेट नहीं होती तो इसको समाप्त करने के भी आवश्यकता ना होती और ना ही वह समाप्त हो पाती। इसका समाप्ति के लिए यही युद्ध छेड़ते हैं। रक्षणीय कुछ भी नहीं था, यहाँ संस्कृति थी। यह एक बूढ़े और अंधे की जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा गलित अंग वेश्यासी प्रजाजनों को भी रोगी बनाती थी। क्या यह युद्ध विजयी के लिए लाभप्रद या शोभन है? इस प्रश्न का समाधान भी कवि ने इस कृति में प्रस्तुत किया है। उसने विजय को आत्मदंश के समान माना है, इसलिए पांचवे अंक का नाम उसने विजय एक क्रमिक आत्महत्या रखा है। विजय को परिभाषित करते हुए युधिष्ठिर कहता है, और विजय क्या है? एक लंबी और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला अपमान आत्मघात। इसलिए युधिष्ठिर जीत कर भी मन से हारा हुआ है। एक और उसके सामने युद्ध ध्वंस संस्कृति के नव निर्माण का प्रश्न है, तो दूसरी ओर नव निर्माण के लिए योग्य जन धन और मनोयोग संकल्प जैसे साधनों का अभाव। वह अपनी इस स्थिति से दुर्योधन की स्थिति को अच्छा मानता है, जो इस आत्माघात की स्थिति को देखने से पहले ही स्वर्ग चला गया है। विजय और विजित के अतिरिक्त युद्ध का एक पक्ष और है, वह है सामान्य प्रजा। सामान्य जन को युद्ध से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। युद्धोपरांत उन्हें तो और भी अधिक निर्बल शासन व्यवस्था मिलती है। दो प्रहरियों के वार्तालाप के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है कि प्रहरी एक हम जैसे पहले थे, प्रहरी तो वैसे ही अब भी हैं। प्रहरी एक शासक पद है, प्रहरी दो स्थितियां बिल्कुल वैसी है। प्रहरी एक इससे तो पहले की ही शासक अच्छे, प्रहरी दो अंधे, प्रहरी एक लेकिन वे शासन तो करते। सामान्य जन को ज्ञान और मर्यादा के तोते नारों से कुछ लेना देना नहीं है, वे उनके ओढ़ने या बिछाने की चीज। आधुनिक कवि ने नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए विषाक्त बमों की विभीषिका से त्रस्त मानवता को देखा था, जिनके विनाशकारी परिणामों की कल्पना तक सिहरा देने वाली, जिनसे आगे आने वाली ना जाने कितनी संततियां रोगी और कुष्ठग्रस्त पैदा होती रहेगी। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के भयावह परिणामों के चित्रण में कवि के मन में आधुनिक महायुद्धों के विनाशकारी रूप का चित्र कौंद जाता है। ज्ञान क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का? यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ ओ नर पशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुंताग्रस्त, सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया मनुष्य ने, सतयुग में त्रेता में द्वापर में सदा सदा के लिए होगा विलीन। वह गेहूं की बालों में सर्प फुफकारेंगे, नदियों में बह बह कर आएगी पिघली आग। युद्ध में मानव मूल्यों का हनन होना अनिवार्य। प्रतिहिंसा और घृणा की भावनाएं इस हनन के लिए उत्तरदायी होती। अश्वत्थामा के चरित्र में प्रतिहिंसा और घृणा को बड़ी मनोवैज्ञानिकता के साथ उभारा गया है। इसलिए अंधा युग में कृष्ण के अनासक्त प्रेम की प्रतिद्वंद्व
कि में अश्वत्थामा अनासक्त विक्षोभ का प्रणेता बनकर सामने आया है। युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने अश्वत्थामा के कोमलतम अंश की हत्या कर डाली। युधिष्ठिर से अश्वत्थामा अतः नरो व कुंजरो व कहकर मानव और पशु के बीच की विभाजक रेखा को मानव मिटा दिया था। इसलिए अश्वत्थामा कहता है, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया, उस दिन से मैं हूँ पशु मात्र, अंध बर्बर पशु। योद्धा से बर्बर पशु बन जाने के बाद उसके अस्तित्व का अंतिम अर्थ वध, केवल वध, केवल वध बन गया। वो कहता है, वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। दुर्योधन द्वारा पराजय स्वीकार कर लेने पर पिता की निर्मम हत्या की प्रतिशोध ले सकने की असमर्थता का अनुभव अश्वत्थामा को हुआ। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ तक को नष्ट करना चाहा, किंतु कृष्ण ने गर्भ की रक्षा कर ली। कृष्ण ने उसे भ्रूण हत्या का शाप देकर उससे मणि छीन ली। कृष्ण के शाप के कारण ही मणि छीन लिए जाने के बाद अश्वत्थामा के मस्तक पर जो जख्म हुआ है वह सदा ताजा बना रहा। शाप के कारण ही उसका अंग अंग गलित कुष्ठ के कारण दुर्गंध से भर गया। उसका रोम रोम अगणित गौरव नरक की यातना से पीड़ित हो उठा। अंत में कृष्ण के घायल चरणों में से गांव के फूट कर वह निकलने पर जब अश्वत्थामा ने अपनी निजी पीड़ा को शांत होते हुए अनुभव किया तो उसकी सारी घृणा आस्था में पर्वत जो अंधायुग अंधी प्रतिहिंसा बनकर अश्वत्थामा की नस नस में बैठ गया था, उसके कारण उसके पश्चाताप दग्ध मन को विगलित कर गया। उसने अनुभव किया कि गुणा का तर्क अमानुषिक है, मनुष्यता की विस्तृति का यह अविस्मरणीय पात्र अंत में अनुभव करता है। जिसको तुम कहते हो प्रभु होता मेरा शत्रु, पर उसने मेरी पीड़ा भी धारण कर ली। जख्म है बदन पर मेरे, लेकिन पीड़ा सब शांत हो गई बिल्कुल। मैं हूं दंडित लेकिन मुक्त। इस प्रकार अश्वत्थामा के चरित्र के माध्यम से कवि डॉक्टर दयानंद भारती ने स्पष्ट करना चाहते हैं कि मानव विवेक ही नीर क्षीर करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। मानव विवेक ही मानव के मनोभावों को उदात्त रूप प्रदान करता है। डॉक्टर दयानंद भारती ने अंधायुग में युद्धोत्तर कालीन जीवन की विसंगतियों का चित्रण करते हुए मानव विशिष्टता की रक्षा एवं मानव भविष्य की सुरक्षा के लिए मानव विवेक को महत्वपूर्ण प्रमाणित कर मानव मूल्यों की नई कविता में पर्याप्त महत्व दिया गया है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार नई कविता आज की मानव विशिष्टता में उद्धृत उस लघु मानव के लघु परिवेश की अभिव्यक्ति है जो एक और आज की समस्त रिक्तता और विषमता को तो भोग ही रहा है, साथ ही उन समस्त रिक्तताओं के बीच वह अपने व्यक्तित्व को भी सुरक्षित रखना चाहता। इस कथन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नई कविता का कवि मानव मूल्यों की अभिव्यक्ति अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से कर पाने में सफल इसलिए हुआ है कि उसने समाज को टूटते देखा है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने भी मानव मूल्यों तथा सामाजिक मूल्यों में किसी प्रकार के विरोध का परिहार कर दिया है। उन्होंने मूल्य बोध का आधार व्यक्ति मानते हुए कहा है कि मानवीय मूल्य अंततो गत्वा मनुष्य के वैयक्तिक जीवन में ही पनपते हैं और उसका विकास व्यक्ति से समूह या समाज की ओर होता है। नए मानव मूल्यों की स्थापना में तत्कालीन समाज एवं राजनीतिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मानव सामाजिक प्राणी है, उन समाज की रीढ़ मानव मूल्य है। इन्हीं मानव मूल्यों पर समाज का अस्तित्व निर्भर है। इसी कारण से किसी भी समाज की संस्कृति का अध्ययन उनके उसके मानव मूल्यों के आधार पर किया जाता है। इन्हीं मूल्यों के सहारे मनुष्य अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं तथा आदर्शों को प्राप्त करता है। मानव जीवन में मूल्यों का विशेष महत्व है। मूल्य एक दिन में नहीं बनते, ना ही कपोल कल्पित होते, बल्कि इनकी जड़ें बहुत गहरी होती है। पाश्चात्य विचारक क्रोकर के अनुसार सभी सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति रूपों की तरह मूल्य भी प्रायः अधिवैयक्तिक होते हैं। व्यक्ति स्वयं जितने मूल्यों का विकास करता है उससे कहीं अधिक मूल्य समाज द्वारा उस पर आरोपित कर दिए जाते हैं। इसलिए मूल्यों को सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है।
मूल्य की पृष्ठभूमि व्यक्तिगत भी हो सकती है और समाजगत। व्यक्ति उन मूल्यों से प्रेरणा प्राप्त करता है जो समाज द्वारा प्रशंसित होते हैं। व्यक्ति समाज के मूल्य ग्रहण करता है, परंतु मूल्य सर्वप्रथम व्यक्ति द्वारा ही अन्वेषित एवं प्रतिपादित किए जाते हैं। बाद में समाज द्वारा स्वीकृत अथवा बहुप्रचलित हो जाने पर ऐसे मूल्य सामाजिक हित का निकष बन जाते हैं। अंततः सभी मूल्य सामाजिक हैं। इस प्रकार देश काल के परिवर्तन के साथ सामाजिक संबंधों एवं मूल्यों में भी परिवर्तन होता रहा है। साथ राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। भारत विभाजन ने करोड़ों भारतीयों के विश्वासों तथा मूल्यों को हिला दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी देशों में भ्रष्टाचार, घूस और अन्याय का इतना बोलबाला हुआ है कि उससे सत्य, अहिंसा, विश्वास और प्रेम जैसे मानवीय मूल्यों का लोप हो गया। साम्यवादी देशों में नैतिक मूल्यों का अस्तित्व समाप्त हो गया। इसका प्रभाव युवा वर्ग पर काफी पड़ा। स्वतंत्रता के बाद भारत में भी एक ओर तो मानवीय मूल्यों का विघटन हुआ, दूसरी ओर नैतिकता के स्थान पर अनैतिकता को प्रश्रय मिला। नई कभी इस स्थिति से विक्षुब्ध होता प्रत्येक व्यक्ति के मन में अविश्वास, आशंका और भय डर करता गया। इस प्रकार भारत का प्रत्येक मानव समाजोन्मुख न रहकर वैयक्तिक हो गया। उसके इसी वैयक्तिक दृष्टिकोण के कारण उसमें अकेलेपन, अजनबीपन का बोध पनपा। नए कवि ने व्यक्ति की विवशता एवं भय की अनुभूति तथा अमानवीय भाव बोध को पहचाना और उन्हें जीवन के बृहत यथार्थ में रखकर उनका आकलन किया। इस परिवेश में नए कवि के सम्मुख यह समस्या थी कि वो नए मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा करें। इस उद्देश्य को लेकर नई कविता के कवियों ने नए मनुष्य को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है, जो उस काल चेतना का प्रतीक है जिससे नए मानव मूल्यों का उदय हुआ है। नई कविता के इस उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर जगदीश गुप्त का कथन मैं यहाँ देना चाहता हूँ। नया मनुष्य रूढ़िग्रस्त चेतना से मुक्त मानव मूल्यों के रूप में स्वातंत्र के प्रति सजग, अपने भीतर अनारोपित सामाजिक दायित्व का संयम अनुभव करने वाला, समाज को समस्त मानवता के हित में परिवर्तित कर नया रूप देने के लिए कृत संकल्प, कुटिल स्वार्थ भावना से विरत, मानव मात्र के प्रति स्वाभाविक सहानुभूति से युक्त, संकीर्णताओं एवं कृत्रिम विभाजनों के प्रति शोक का अनुभव करने वाला, हर मनुष्य को जन्मतः समान मानने वाला, मानव व्यक्तित्व को उपेक्षित, निरर्थक और नगण्य सिद्ध करने वाली किसी भी सार्वजनिक शक्ति या राजनीतिक सत्ता के आगे मनुष्य की अंतरंग सद्बुद्धि के प्रति आस्थावान, प्रत्येक व्यक्ति के स्वाभिमान के प्रति सजग, दृढ़ एवं संगठित अंतःकरण संयुक्त, सक्रिय किंतु अपीडक, सत्यनिष्ठ तथा विवेक संपन्न होगा। ऐसे मनुष्य की प्रतिष्ठा करना ही नई कविता का उद्देश्य है। नई कविता के प्राय सभी कवियों की कविताओं में मानव मूल्यों की सजीव एवं सार्थक अभिव्यक्ति हुई है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर धर्मवीर भारती जीवन में आर्थिक विषमता या कष्टों को महसूस नहीं करते, या फिर दर्द से उनका कोई सरोकार नहीं। वास्तविकता यह है कि सारी विषमताओं जिनका मूल है आर्थिक विषमता को अपने विश्वास के समक्ष नगण्य मानते हैं। उनकी प्रसिद्ध रचना कविता की मौत, जहाँ एक ओर उनके जनवादी चिंतन को मुकर करती है, वहीं उनके सनातन सारस्वत संस्कारों को सजीव अभिव्यक्ति भी देती है। डॉक्टर धर्मवीर भारती के शब्द पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध अपना विश्वास इन शब्दों में व्यक्त करते हैं। फिर उभर कर कहे की कविता, क्या हुआ दुनिया अगर मार्केट बनी, अभी मेरी आखिरी आवाज बाकी है, हो चुकी है हैवानियत की जहां, आदमियत का मगर आगाज बाकी है, तो तुम है मैं फिर नया विश्वास देती हूँ, नया इतिहास देती हूँ, कौन कहता है कि कविता मर। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने अपने काव्य में नए मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा करके सामाजिक मूल्यों को सशक्त आधार प्रदान किया है। यह भारतीय साहित्य की भावात्मक तथा राष्ट्रीय एकता के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक तथा मूल्यों को उजागर करने वाला सफल प्रमाण है। प्रादेशिक विशेषताओं के कारण जो वैषम्य परिलक्षित होते हैं, वे मात्र प्रादेशिक साहित्यिक परंपराओं एवं प्रादेशिक आवश्यकताओं के आधार पर अभिव्यक्त हुए। विभिन्नता में एकता ही भारतीय साहित्य की विशेषता है।
बाह्य रूप में दृष्टिगत होने वाले सभी तत्वों में अंतर्निहित एकता विदेशियों को आश्चर्यचकित कर देती है। विभिन्न भारतीय भाषाओं में अभिव्यक्त होने पर भी भारतीय साहित्य भाव की एकात्मकता के कारण अक्षुण है। हिंदी और तेलुगु काव्य में अभिव्यक्त भारतीय संस्कृति व मूल्य के तुलनात्मक अध्ययन से बात स्पष्ट हो जाती है कि विभिन्न भाषाओं में विभिन्न लिपियों में लिखे जाने पर ही भी भारतीय साहित्य की आत्मा एक है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे